आप लोग इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इससे पहले का वीडियो देख लो। क्वेश्चन नंबर 11 है, मध्य प्रदेश में जिला पंचायत की संख्या है, ए है 50, बी है 55, सी है 90 और डी है 80। तो इसका राइट आंसर है 50। क्वेश्चन नंबर 12 है, मध्य प्रदेश में विकास खंडों की संख्या है, ए है 208, बी है 250, सी है 270, डी है 313। इसका राइट आंसर है डी 313। क्वेश्चन नंबर 13 है, मध्य प्रदेश में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र इनमें से कौन सा था, साप्ताहिक ग्वालियर अखबार, बी है अफ्ताब, सी है सेवक, डी है साप्ताहिक मलवा अखबार। इसका राइट आंसर है ए साप्ताहिक ग्वालियर अखबार। क्वेश्चन नंबर 14 है, मध्य प्रदेश योजना मंडल में प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ए है श्री प्रकाश चंद्र सेठ, बी है श्री भगवंत राव मंडली, सी है श्री पट्टाभी सीतारंभे, डी है श्री शिव शंकर शुल्क। तो इसका राइट आंसर है श्री ए नंबर श्री प्रकाश चंद्र सेठी। क्वेश्चन नंबर 15 है, मध्य प्रदेश योजना मंडल का पदेन अध्यक्ष कौन है, ए है योजना विभाग के सचिव, बी है प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, सी है मुख्यमंत्री, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है मुख्यमंत्री सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 16 है, मध्य प्रदेश की सीमा का अधिकांश भाग किस राज्य से मिला हुआ है, ए है महाराष्ट्र, बी है गुजरात, सी है राजस्थान, डी है उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 17 है, मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, ए है 11.38%, बी है 9.37%, सी है 7.83%, डी है 8.66%। तो इसका राइट आंसर है बी 9.37%। क्वेश्चन नंबर 18 है, देश के 5 राज्यों में मध्य प्रदेश की सीमा मिलती है, बताइए इनमें से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश को नहीं छूती है, ए है उत्तर प्रदेश, बी है गुजरात, सी है पश्चिम बंगाल, डी है राजस्थान। तो इसका राइट आंसर है सी पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 19 है, मध्य प्रदेश में विद्युतीय उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ, ए है 1990, बी है 1905, सी है 1910, डी है 1970। तो इसका राइट आंसर है बी 1905। क्वेश्चन नंबर 20 है, मध्य प्रदेश किस नगर से होकर कर्क रेखा गुजरती है, ए है भोपाल, बी है जबलपुर, सी है खंडवा, डी है इनमें से कोई नहीं।